प्रयागराज में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केपी इंटर कॉलेज परिसर में भाजपा के 6 जिलों प्रयागराज, महानगर, गंगापार, जमुना पार, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर के कार्यकर्ताओं की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। ये बैठक विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों की समीक्षा करने हेतु की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए पार्टी में लगातार काम किया जा रहा है और लोक कल्याण की योजनाओं को जनता तक ले जाना हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। बैठक में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रयागराज सांसद डॉ रीता बहुगुणा जोशी, फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी, प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता शामिल रहे। सत्ता पक्ष के नाते पार्टी की दायित्व बनती है संगठन को तंदुरुस्त करके लोक कल्याण की बातों को जनता तक ले जाना। पार्टी अभी पूरा प्रदेश भर में संगठन की ओर से बूथ रचना, मंडल, विधानसभा स्तरीय संगठन, जिला स्तरीय समन्वय, ये सारे कामों में लगी है। अभी अभी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे में आए थे। सदस्यता अभियान अभी हमारी पुरजोर प्रदेश में चल रहा है। अनेक प्रकार की संगठनात्मक बैठक भी चल रही है। लोक कल्याण के अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम भी हो रहा है।